सबसे पहले पढ़ने वाले सबसे पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है, अब यूक्लिडियन डिस्टेंस का एक बार रिवीजन करते हैं और यूक्लिडियन डिस्टेंस जानते हैं कि होती क्या है। अगर मेरे पास कोई ग्राफ है ना, एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अपन KNN की बात करें तो अपन उसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस की ही यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में मेरे पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं, कोई दो पॉइंट्स हैं। मैं कहूँ कि मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ है X1, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ है X2। अब इन दोनों के बीच की मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस से। कि सपोज मैं क्या कह रहा हूँ कि X1 मेरा यहाँ है, X2 मेरा यहाँ है, तो जो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर देखो ये मेरा X11 है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, हमने पढ़ा हुआ है 12th स्टैंडर्ड में, है ना, 11th 12th स्टैंडर्ड में। ये मेरा क्या होगा, X21। ये मेरा क्या होगा, X12। एंड ये मेरा होगा X22, है ना। अब अपन को जब यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालनी है, जब यूक्लिडियन डिस्टेंस अपन को निकालनी है, तो अपन इन दोनों के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अपन पाइथागोरस पर थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये अपना जो एंगल है ये अपना 90 डिग्री का होगा। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। एंड अपन क्या कर रहे हैं, जो डिस्टेंस निकालना है वो अपन ये निकालना है डी। सो पाइथागोरस थ्योरम अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, उससे अपन को क्या मिल जाएगी, यूक्लिडियन डिस्टेंस मिल जाएगी, जिसका अपना फॉर्मूला क्या होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा डी इक्वल्स टू अंडर रूट। पढ़ी हुई चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसलिए मैं कुछ खास आपको इसमें बता नहीं रहा। X21 माइनस X11 होल स्क्वायर प्लस X22 माइनस X12 होल स्क्वायर, यही अपना पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आ जाएगा डिस्टेंस, है ना। सो ये डिस्टेंस हो का फॉर्मूला अपना हो जाएगा यूक्लिडियन डिस्टेंस का, ठीक है। ये अपनी यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो, यूक्लिडियन डिस्टेंस का। एंड अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन जानते हैं कि थोड़ा सा इसको समझते हैं, वैसे मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा डेप्थ टच करते हैं। देखो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यूक्लिडियन डिस्टेंस की, यूक्लिडियन डिस्टेंस की, जिस पे अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है वो X1 है, ये पॉइंट है मेरा X2 है, ठीक है। जो X1 है, जो मेरा पॉइंट X1 है, X1 इज बिलोंग्स टू R डायमेंशन वेक्टर। अगर मैं इसको एज अ वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, सो मैं कह सकता हूँ कि X1 बिलोंग्स टू R डायमेंशन वेक्टर एंड X2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R डायमेंशन वेक्टर। ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में ही हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये जो पॉइंट्स होते हैं उनको मैं एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर के फॉर्म में है तो अपन इनको नॉर्म के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के। ये सब चीज़ें आपको आपने पढ़ी हुई हैं कि नॉर्म क्या होता है, मतलब ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई, और नहीं पढ़ी तो अभी तो मैं क्या है आपको बता देता हूँ ये सब चीज़ें। जब अपनी एक बार एल्गोरिथम्स वगैरह हो जाएंगी तो अपन इन चीज़ों को डिटेल में और समझ लेंगे, है ना, डेप्थ में। ये सब भी मैं पढ़ा दूंगा, और ये अभी आप एल्गोरिथम समझने के लिए समझ लो, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। X1 अपना एक वैक्टर है जो आर डायमेंशन स्पेस का है, और X2 भी अपना जो वैक्टर है वो R2 भी जो अपना वैक्टर है वो एक आर डायमेंशन स्पेस का है। अब इसको अपन नॉर्म की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर्म की फॉर्म में मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसका L2 नॉर्म निकालूँ, L2 नॉर्म, तो जो इसका L2 नॉर्म निकलेगा
एल टू नॉर्म जो इसका निकलेगा, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं, स्पेस चाहिए लिखने के लिए। इसका जो एल टू नॉर्म निकलेगा वो निकलेगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू वन टू डी डायमेंशंस एक्स वन आई माइनस एक्स टू आई होल स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन टू। इसका एल टू नॉर्म मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब एल टू नॉर्म ऐसे कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले आप ये चीज़ समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो चीज़ समझने की कोशिश करो कि ये जो दो वेक्टर हैं एक्स वन और एक्स टू, ठीक है। अब एक्स वन और एक्स टू का अगर मैं एल टू नॉर्म निकालूँ, एल टू नॉर्म तो वो कुछ ऐसा आता है। एल टू नॉर्म अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो एल टू नॉर्म आता है वो ये आता है, ठीक है, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है। वो लिखा है फ्रॉम आई वन टू डायमेंशन डी समेशन एक्स वन आई माइनस एक्स टू आई होल स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन टू, ठीक है। अगर मैं इसको, अब मैं कहूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप देख सकते हो कि अपना ये जो वेक्टर है वो टू डायमेंशन वेक्टर है। हम टू डी ग्राफ की ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर आई वन टू टू हो जाएगा, फॉर आई वन टू टू हो जाएगा। एंड देन मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वन वन माइनस एक्स टू वन स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो एक्स वन टू माइनस एक्स टू टू स्क्वायर, यही हो जाएगा। और फिर वन अपॉन टू है तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का ही फॉर्मूला आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं अपने दो वेक्टर्स एक्स वन और एक्स टू को सब्ट्रैक्ट करके एल टू फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूँ तो फिर वो क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस के इक्वल आता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस के इक्वल आता है, ठीक है। अगर मैं एल टू नॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन को, अगर मैं दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन को, एक्स वन और एक्स टू के सब्ट्रैक्शन को एल टू नॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस है, यूक्लिडियन डिस्टेंस है, जिसका हमने फॉर्मूला देखा था, जिसको मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं, ये तो यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गई क्लियर। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है उसी का हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस निकालने में के एन एन, यानी अपनी के नियरेस्ट नाइबर्स एल्गोरिथम्स में, के नियरेस्ट नाइबर्स एल्गोरिथम में। अब इस ग्राफ को मैं हटा ही देता हूँ जिससे थोड़ा सा स्पेस और मिलेगा और अब हम आगे और समझेंगे, जिससे ये हटा देता हूँ पूरा, जिससे अच्छे से अपन समझ पाएंगे कि आगे क्या है। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ, अब मैं बात करने वाला हूँ मैनहट्टन डिस्टेंस की। आज अपन डिस्टेंसेस देख रहे हैं, ठीक है, और इस आपको आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इस लेक्चर से। अब मैं कहना मशीन लर्निंग में थोड़ा सा अपन थोड़ा डेप्थ में जाएं तो सही रहेगा, ऊपर ऊपर से नहीं फायदा, क्योंकि रिग्रेशन में मैंने आपको ऊपर ऊपर से कोर नॉलेज दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि क्लासिफिकेशन में मैं उसको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा जो अपने रिग्रेशन की एल्गोरिथम्स आएंगी, है ना। तो मतलब जो उनके बीच का कॉन्सेप्ट है वो सब अपन इसमें समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब मैनहट्टन जो डिस्टेंस है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू वन टू डी एक्स वन आई माइनस एक्स टू आई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मैनहट्टन डिस्टेंस का। अब ये मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है, ये मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है, मैनहट्टन डिस्टेंस जैसे मैं कहूँ तो इसको मैं एज अ बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कह सकता हूँ। ये कैसे होती है मैं बताता हूँ। सपोज ये मेरा कोई बॉक्स है,
सॉरी कि ये ग्राफ अच्छा नहीं बन रहा है ड्राइंग में, ठीक है? इसमें ये मेरा पॉइंट है एक्स वन, ये वाला एक्स वन, एंड ये वाला पॉइंट है मेरा एक्स टू। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को इस बॉक्स में मूव करना है, तो मैं डायगनली तो जा नहीं सकता, मैं डायगनली तो जा नहीं सकता। मैं कैसे मूव करूंगा? सबसे पहले मैं एक स्टेप यहां मूव करूंगा, दूसरा स्टेप यहां मूव करूंगा, यहां तक पहुंच गया, तो तीसरा स्टेप यहां पर मूव करूंगा, तो मुझे तीन स्टेप लगे ना यहां पर पहुंचने में मिनिमम, है ना? तो ये जो डिस्टेंस है ये नथिंग बट मैनहट्टन डिस्टेंस है, मैनहट्टन डिस्टेंस, जो ऐसा बॉक्स के फॉर्म में हम ऐसे पहुंच रहे हैं, ऐसे ये आप देख सकते हो, ये ऐसे जो पहुंच रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है? अब ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस है ये क्या होती है? अब भाई ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस है ना, ये कुछ नहीं है, ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर इन द L1 फॉर्म, इन द L1 फॉर्म। अब कैसे है ये L1 फॉर्म, वो भी मैं आपको सब सब क्लियर होगा धीरे धीरे, आप वेट करो। जो यूक्लिडियन डिस्टेंस बताई थी वो मैंने क्या कहा था? सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर इन L2 फॉर्म, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं L2 फॉर्म को, L2 फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, मैं क्या कह रहा हूं? सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर इन L1 नॉर्म, L1 नॉर्म, ठीक है? फॉर्म नहीं, सॉरी, नॉर्म होता है, वो बोलने में कंफ्यूजन हो गया, ठीक है? L1 नॉर्म। तो ये जो है ये L1 नॉर्म के रिप्रेजेंटेशन में, L1 नॉर्म में, और ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो किस में? L2 नॉर्म में, और जो मैनहट्टन है वो है L1 नॉर्म में। अब L1 नॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? L1 नॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? L1 नॉर्म का फॉर्मूला यही होता है जो मैंने आपको लिख दिया, ये होता है L1 नॉर्म ऑफ X1 माइनस X2। अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो अपन को किसका फॉर्मूला मिल जाएगा? किसका फॉर्मूला मिल जाएगा? अपन को फॉर्मूला मिल जाएगा मैनहट्टन डिस्टेंस का। ये मैंने जो आपको फॉर्मूला लिख के दिया, ये L1 नॉर्म का फॉर्मूला है मैनहट्टन डिस्टेंस का। अब आप इसको समेशन आपको आता है, ये 2D अपना स्पेस है, आपको पता है, तो आप इसको ओपन करके अपने आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है? इतना कुछ इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। तो ये है अपना L1 नॉर्म। सो अभी तक अपन को क्या समझ में आया? अभी तक क्या समझ में आया अपन को? अभी तक अपन को ये समझ में आया कि इफ़ आई रिप्रेजेंट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर इन द L1 फॉर्म, इफ़ आई रिप्रेजेंट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स इन L1 नॉर्म, देन इट इज़ नथिंग बट मैनहट्टन डिस्टेंस। इफ़ आई रिप्रेजेंट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स इन L2 नॉर्म, देन दिस इज नथिंग बट यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब अपन एक और डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, एक और डिस्टेंस की, मजा आ रहा है? अपन बात करेंगे अब मिन कॉस की, मिन कॉस की डिस्टेंस की, मिन कॉस की, ठीक है? ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरे को अजीब सा लग रहा है, लेकिन होते पढ़ते हैं इसके बारे में, आता है मेरे को, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। ठीक है, अपनी अब अगली डिस्टेंस आ गई मिन कॉस की डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होती है मिन कॉस की? ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर इन LP फॉर्म, LP नॉर्म, सॉरी LP नॉर्म। अब आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। X1 माइनस X2 अगर इसको मैं LP नॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, इसको अगर मैं LP नॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो होगा समेशन I इक्वल्स टू 1 to D X1i माइनस X2i P होल पावर 1/P।
ये फॉर्मूला है पी नॉर्म का, पी नॉर्म का, ये किसका फॉर्मूला है, पी नॉर्म का। अब आप देखो सब खेल हो जाएगा। मैं कहूं कि मेन कॉस की डिस्टेंस विथ पी नॉर्म ऑफ टू, विथ पी नॉर्म ऑफ टू मेन कॉस की डिस्टेंस क्या है, तो अगर मैं यहां टू वैल्यू पुट करूं सो क्या, देखो अब आप जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वही होके आएगा। अगर मैं यहां टू पुट करूं तो क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स वन आए माइनस एक्स टू आए स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन टू, क्या है ये। अगर मैं पी, मैंने टू लिया मीन्स अपना जो नॉर्म है वो टू लिया, तो क्या हो गया आप देख सकते हो, यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया। अगर मैं पी वन लूं, पी वन लूं और मैं क्या कहूं कि मेन कॉस की डिस्टेंस विथ द वैल्यू ऑफ नॉर्म इज वन, द वैल्यू ऑफ नॉर्म इज वन मीन्स एल वन नॉर्म, देन दिस इज नथिंग बट मैनहेटन डिस्टेंस। ऐसे आप कितनी डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप ये फॉर्मूला अपना जेनेरिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इसमें वन पुट करता हूं तो ये बन के आएगा, यही फॉर्मूला बन के आएगा, ये था मैनहेटन डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। सो अब आपको क्लियर है, अगर इसमें थ्री पुट कर दूंगा तो मेन कॉस की डिस्टेंस विद द नॉर्म ऑफ थ्री इज नथिंग बट क्या, यहां पर तीन अपन वैल्यू पुट कर देंगे और वो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अपने डिस्टेंसेस के फॉर्मूले अलग अलग हैं, और मैं आपको बताऊं हंड्रेड्स ऑफ डिस्टेंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिस्टेंस, हंड्रेड्स ऑफ डिस्टेंस के चीज़ें होती हैं, मतलब निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर अपन चार डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, अभी तक अपन ने तीन चीज़ें देखी हैं, तीन चीज़ें, ठीक है। मेन कॉस की डिस्टेंस कुछ नहीं है, बस अपन नॉर्म्स की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं और पुट करते जा रहे हैं। एक मैं कह सकता हूँ एक जेनरिक, जेनरिक फॉर्मूला है, जेनरिक फॉर्मूला है ना, ठीक है। अब आप किसकी बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर लेते हैं हैमिंग डिस्टेंस की। हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है, हेमिंग डिस्टेंस आई थिंक अपन ने पढ़ी भी है ना, शायद ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स में आती है हेमिंग डिस्टेंस, उसका भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें जो है ना मतलब ML वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन एक बार सारी चीज़ें कवर हो जाएं बिल्कुल अपन डेप्थ में, सब कुछ चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा एक एक एल्गोरिथम, है ना। पहले मैं क्या चाहता हूँ कि कवर हो जाए कम से कम जितना अपन कर रहे हैं, मतलब ये भी अपन अच्छा कर रहे हैं लेकिन और अपन अच्छे से समझेंगे, है ना। पहले एक बार एल्गोरिथम्स अपनी सारी कवर हो जाए, है ना। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है, हैमिंग डिस्टेंस, अब मैं जब बात करूं हैमिंग डिस्टेंस की, हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस वो क्या होती है, हैमिंग डिस्टेंस बहुत इजी होती है। हैमिंग डिस्टेंस मीन्स बूलियन वेक्टर, बूलियन वेक्टर, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग माई एक्स वन एज अ वेक्टर विच इज नथिंग बट 0 1 1 0 1 1 0 0 1 है, एंड एक्स टू इज 1 0 1 0 0 0 0 1 1, लाइक वी रिप्रेजेंट द हैमिंग डिस्टेंस वेक्टर्स इन अ बूलियन फॉर्म, इन अ बूलियन फॉर्म। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बूलियन फॉर्म, जब अपन बूलियन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो 0 1 वैल्यू आ सकती है, तो हैमिंग डिस्टेंस की क्या होगी, वेरी इजी, काउंट वेयर द वेक्टर डिफर्स। सो यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, वेक्टर डिफर कर रहा है तो अपनी हैमिंग डिस्टेंस याद कितनी हो गई, 1 प्लस, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है प्लस, यहां पर 1 1 सेम है नो प्लस, यहां पर 0 0 है नो प्लस, यहां पर 1 0 है यहां पर प्लस, यहां 1 0 है यहां पर प्लस, ऐसे आपको काउंट करते चले जाना है कि अपने वेक्टर में टोटल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 तो ये भी डिफरेंस 1, ऐसे आपको काउंट करना है, और काउंट जैसे आ गया 5 6 जो भी आ गया तो अपन कह देंगे वो हमारी हैमिंग डिस्टेंस है। इजी, हैमिंग डिस्टेंस कुछ ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर स्ट्रिंग्स में बात करूँ मैं हैमिंग डिस्टेंस की, स्ट्रिंग्स में, सो स्ट्रिंग्स में भी ईजी है, स्ट्रिंग्स में भी ईजी है, स्ट्रिंग्स में अगर मैं कहूँ ए बी सी
डी, ए बी डी सी, तो ये दोनों सेम तो 0, प्लस बी बी सेम 0, सी डी डिफर्स 1, डी सी डिफर्स 1, सो हैमिंग डिस्टेंस कितनी आ गई 2। तो अपन ने ये चार डिस्टेंस कवर अपनी कर ली। इन्हीं चार डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। और अपनी जो यूज़ होती है के एन एन में, के एन एन में, के एन एन में अपन कौन सी डिस्टेंस का यूज़ करते हैं जी, आपको याद रखना रखना चाहिए है ना। के एन एन में अपन किस डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूक्लिडियन डिस्टेंस का, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस का अपन यूज़ करते हैं के एन एन में। अब जब अपन के एन एन में यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज़ करते हैं तो अपन को, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताई, तो अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं यूक्लिडियन, यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स वन एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू एल टू नॉर्म, दिस इज आवर यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये दोनों इक्वल होते हैं एल टू नॉर्म में, एक्स वन माइनस एक्स टू का वेक्टर, सो ये अपना यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने के एन एन एल्गोरिथम्स में। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, एंड थैंक्स।